बहुत जल्दी नहीं आई तुम मुझसे मिलने? क्या बताऊं दीदी, जब से हम लोग अलग हुए हैं तब से मिलने के लिए भी प्लान करना पड़ता है। अब इसमें मेरी और तुम्हारी गलती तो है नहीं। जिस घर में ऐसी सास हो कि एक घर में दो बेटों को ही ना रहने दे, तो हम क्या ही कर सकते हैं। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। अच्छा, सारी बात यहीं कर लोगी कि घर में भी चलूं? नहीं नहीं, आओ ना रूम में। बताओ फिर, आज चांद यहाँ कैसे निकला? क्योंकि इस चांद के घर पे चांद जैसे पप्पा आए थे, तो सोचा आपके लिए भी प्रसाद ले चलूं। ससुराल में एक तुम्ही हो जो मेरे बारे में भी सोचती हो। तुम्हारा जॉब कैसा चल रहा है? क्या बताऊं दीदी आपको, सासू माँ ने मेरा जॉब छुड़वा दिया। कह रही थी हमारे घर की बहू ये सब नहीं करती। अच्छा छोड़ो ना, आपका जॉब कैसा चल रहा है? मैं जॉब नहीं करूंगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं तो कुछ करती नहीं हूँ। भैया ने अभी तक दारू पीना नहीं छोड़ा? रानी जी, मुझे नहीं लगता कभी छूटे घर में। जिन औरतों की लाइफ में पीने खाने वाला मर्द आ जाता है ना, उनकी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाती है। अच्छा दीदी मैं चलती हूँ, नहीं तो सासू माँ चिल्लाने लगी। ठीक है, आते रहना क्योंकि मैं तो आ नहीं सकती। चल छोटी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना और कुछ भी हो मुझे कॉल करना। ठीक है दीदी। हाँ बोल ना प्रिया। चल ठीक है, मिलती हूँ। अच्छा लग रहा है। हाँ बोल। सुनना दीदी, ये जो तूने ब्लैक ड्रेस लाया है, मुझे पार्टी में जाना पहन लू क्या? प्लीज प्लीज प्लीज। उस ड्रेस को ना हाथ भी मत लगाना, अभी तक पहना भी नहीं है मैंने उसे। रख दे जहाँ से निकाला है। इतना क्या मर रही है, नहीं पहन रही। सुनना दीदी, ये जो तेरा फेवरेट इयररिंग है ब्लू वाला, मैं पहन लूँ प्लीज? देख मैं ऑफिस में हूँ, बार बार कॉल करके परेशान मत कर। मेरी चीजों को ना हाथ भी मत लगाना, रख भाई। एक सामान की हानि करती चुड़ैल कहीं की। ठीक है, नहीं पहन रही हूँ। सुनना, ये जो तेरे बॉयफ्रेंड ने हील्स दी है वो पहन के चले जाऊँ प्लीज? तेरा गला दबा दूंगी मैं, उसे छूना भी मत। अगर उसे पता चल गया ना मेरी जान ले लेगा, रख उसे। इतना क्या भौंक रही है, रख रही हूँ, नहीं चाहिए तेरा कोई सामान। थैंक गॉड दीदी के पास अच्छे अच्छे सामान है। आज की पार्टी में तो सबसे अच्छी मैं ही दिखूंगी। अजी रेडी हो गए क्या? पूजा करने की तैयारी कर रही है। हाँ बाबा रेडी हो चुका हूँ, जल्दी आओ, आरती करना है। मायरा चलो आरती करना है। मम्मी मैं अपने दोस्तों को भी बुला लूँ आरती के लिए? हाँ ठीक है, अपने दोस्तों को भी बुला लो। दीक्षा मैं मोदक लाना तो भूल ही गया। क्या करते रहते हो, आरती करनी है जल्दी, अब जाओ जल्दी से बाकी ले आओ। सैलरी नहीं आई ना तो मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा ठीक है, आप यहीं रुको, मैं लेके आती हूँ। ये लीजिए। तुम अपनी सेविंग में से निकाल के दे रही हो? नहीं, ये मेरी सेविंग के पैसे नहीं, ये आपकी सेविंग के पैसे हैं। नहीं दीक्षा, ये तुम्हारे सेविंग के पैसे हैं, मैं इन्हें नहीं ले सकता। आप हर दिन पूछते हो ना कि आपके जेब से पैसे कहाँ चोरी हो जाते हैं। मैं चुरा के उसे अपने पास रखती हूँ, ये वही पैसे हैं, ये लीजिए। अच्छा जी, तो चोरी मेरे घर में थी? हर औरत अपने पति के चोरी किए हुए पैसे को उड़ाती नहीं है, बल्कि उसे उस टाइम के लिए संभाल के रखती है कि जब उसे जरूरत पड़ेगा तो उसे काम आएगा। पत्नियां सच में लक्ष्मी होती है, ये तो मानना ही पड़ेगा। अब इमोशनल मत हो, जाओ जाके मिठाई लेके आओ, पापा की आरती करनी है। सुनिए ना जी, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही हो। वैसे एक बात बताओ, जब मैं तुम्हें घर पे बोलता हूँ सूट पहनने के लिए, तब क्यों नहीं पहनती हो? अब क्या करती, यहाँ कपड़ा ही नहीं लाया तो दीदी का पहनना पड़ा। अच्छा ठीक है, मैं शाम को जाके तुम्हारे लिए साड़ी ले आऊंगा। वैसे तुम ही सर से पल्लू हटा लोगे ना तो ज्यादा प्यारी लगोगी। चलो पापा की आरती भी करनी है। जी मैं किचन में जाके दीदी की मदद करवा देती हूँ। सुनिए पत्नी जी। जी बोलिए। दीदी ने कहा पापा को चढ़ाने के लिए 15 किलो मोदक चाहिए। ठीक है, आप जाके मार्केट से ले आइए। मार्केट से नहीं, दीदी ने बोला नई दुल्हन बनाएगी। हाँ 15 किलो मोदक बनाते बनाते तो पूरा दिन बीत जाएगा। अरे हंस क्यों रहे हो, आप मजाक कर रहे हो ना? हाँ पापा मजाक ही कर रहा था। 15 किलो मोदक आप अकेले कैसे बनाओगे? एक काम करो 1.25 किलो बना दो। ठीक है मैं बना देती हूँ, ये लीजिए मोदक। अच्छा टीका तो लगवा लीजिए। हाँ माँ जी मैं वो फॉल लगा रही थी, सिकुड़ गया, सीधा ही नहीं हो रहा। अरे भाभी मुझे दे दो, मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैं लगा दूंगी। माँ जी, दीदी मैं चाय बना के लाती हूँ। भाभी आपने इसमें शक्कर नहीं डाला क्या? अरे बाप रे, शक्कर डालना ही भूल गई। माँ जी आप लोगों को बुरा नहीं लगता है, मुझे कितने सारे काम करने नहीं आते हैं। बुरा क्या लगेगा भला, अंजलि को भी तो मैंने सिखाया है, वो कोई पेट से थोड़ी ना सीख के आई है। एक बार इसकी शादी हो जाने दे, फिर तुझे सब कुछ सिखाऊंगी। अरे मम्मी कैसी बात कर रहे हो, अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है, मेरी पढ़ाई तो कम्प्लीट हो जाने दो, फिर कर लूंगी शादी आराम से। नहीं बेटा तू बड़ी हो गई है, तेरी शादी तो करनी पड़ेगी। इतनी भी क्या जल्दी है मम्मी? अच्छा अगर इतनी जल्दी नहीं है शादी की तो माँ जी को बता दूँ कि आप मेरे भाई से छुप छुप की बातें करती है।
भाभी। अच्छा मैं बर्तन रख के आती हूँ, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लें। हाँ बोलना चलो, कैसी है और बता तेरे ससुराल में क्या चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है, सब लोग बहुत खुश है मेरे आने से। शुरू शुरू में सब खुश रहते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, ये लोग भले लोग लग रहे हैं। चल ठीक है ठीक है, तनु मैं रखती हूँ, बाद में बात करूँगी। हाँ तो अपना ख्याल रखना। अरे बहू क्या कर रही हो? कुछ नहीं सासू माँ, आइए बैठिए ना। बैठो बैठो, मैं बैठती हूँ। बहू तुम्हें इस घर में अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ सासू माँ बहुत अच्छा लग रहा है। ये सासू माँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ क्या? जी माँ, आज से मैं आपको मम्मी बोलूँगी। ये बढ़िया लग रहा है ना? भगवान ने हमको बेटी नहीं दी, बेटी के रूप में तुम्हें भेज दिया। अब इस घर की इज्जत और शान सब तुम ही हो, तो इस घर को अपनी खुशियों से सजाए रखना। भरोसा रखिए मम्मी जी, मैं आपके भरोसों को कभी टूटने नहीं दूंगी। हाँ बहू अब तो हम बस यही चाहते हैं। जी मम्मी जी। ठीक है तुम आराम करो, हम जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। मम्मी जी। हाँ बहू। मम्मी जी अब ये सब गहने आप रख लीजिए। पर बहू ये सब तो तुम्हारे गहने हैं, मैं क्यों संभाल के रखूंगी? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं इसे संभाल के नहीं रख पाऊंगी, आप ही इसे संभाल के रखिए। अरे बहू अभी तो तुम्हें ये पूरा घर संभालना है, ये तो फिर भी छोटे से गहने हैं, इसे तुम ही संभाल कर रखो, ये तुम्हारी अमानत है। जी माँ जी। और बहू हमको दूसरी की सास की तरह मत समझना, तुम्हारा सामान सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारे सामान पे हमारा कोई हक नहीं है। आप तो सच में दूसरों की सास की तरह नहीं है। हे भगवान अगर मैंने लाइट बंद कर दिया तो अंधेरे में तो मुझे डर लगता है, ये भी अभी तक नहीं है, क्या मैं इतने बड़े कमरे में अकेले सोऊंगी? एक काम करती हूँ सासू माँ को बुला लेती हूँ। मम्मी जी। हाँ बहू। मम्मी जी मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो एक काम करो बहू, लाइट चालू करके सो जाओ। जी मम्मी जी। ठीक है बहू। क्या आपको भी अंधेरे से डर लगता है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। अरे बहू ये तुम किचन में क्या कर रही हो? वो मम्मी जी प्यास लगी थी तो पानी लेने आई थी। अरे बहू अभी तो तेरी शादी हुई है, थकी होगी ना, जो चाहिए हमको बोल दिया कर। मम्मी जी बस पानी ही तो लेना था। अरे हाँ हाँ हम डांट नहीं रहे, दोबारा कुछ जरूरत पड़े तो पूछ लेना। जी मम्मी जी। अरे बहू बहू, अरे सुन रही है बहू? अरे बहू दरवाजा खोलो। जी माँ जी दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। वो मम्मी जी कल बहुत थक गई थी ना, इसके लिए आज जल्दी उठ नहीं पाई। कोई बात नहीं बहू, पहले पहले दिन ससुराल में ऐसा होता है, घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा ये लो मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाई हूँ। मम्मी जी इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैं बना के पी लेती। जब तक सास के हाथ का बना हुआ मिल रहा है तब तक पी ले, बाद में तो तुझे ही बनाना है। शुक्रिया मम्मी जी। चलो अब उठ जाओ, नहा धो लेना और बाहर आके पूजा कर लेना भगवान का। जी मम्मी जी। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। बहू तैयार हो गई हो ना? हाँ मम्मी जी, मैं तो कब से रेडी हूँ। आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, जरा हम भी तो देखें तुम्हारे इन कोमल से हाथों में कितना स्वाद है। मम्मी जी मैं बहुत टेस्टी खाना बना लेती हूँ। चलो फिर अपने हाथों का गर्मा गर्म गाजर का हलवा खिला दो सबको। जी मम्मी जी आप चलिए मैं आती हूँ। ठीक है। अरे बहू इका महक रहा है। माँ जी वो मैं। अरे घबराओ नहीं, बताओ क्या हुआ? माँ जी वो मुझसे हलवा जल गया। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, रो नहीं, गाजर का हलवा ही है ना, दोबारा बन जाएगा। माँ जी आप कितनी अच्छी हो, अरे एक मेरी माँ थी, अगर मुझसे खाने में कुछ जल जाता था तो मेरा हाथ जला देती थी, उन्होंने मुझे कभी बेटी जैसे प्यार नहीं किया। कुछ माएँ हैं इस दुनिया में जिनको बेटियों की कदर नहीं है, लेकिन तू तो इस घर का हीरा है। शायद मैं बहुत बदनसीब हूँ माँ जी। अच्छा अब दुखी मत हो, रहने दे गाजर का हलवा मैं बना दूंगी, तू मेरा हेल्प करा देना। माँ जी क्या हुआ बहू, तबियत खराब है? नहीं माँ जी तबियत तो नहीं खराब है, लेकिन मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है और बहुत बोर भी हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तू मेरे पास में ही बैठ। अंजू। जी मम्मी। जा बेटा तू किचन का पूरा काम खत्म कर ले और भाभी का कमरा देख लेना, अगर गंदा लगे तो साफ कर देना। जी मम्मी। माँ जी भजन लगाए क्या? बहू ये भजन थोड़ा ओल्ड फैशन लग रहा है, तो एक काम कर कॉमेडी मूवी लगा दे। ये वाली ठीक है? हाँ। ये भाभी महारानी की तरह यहाँ बैठ के टीवी देख रही है और मैं नौकरानी की तरह पूरे घर का काम करूँ? हर दिन तेरी भाभी काम करती है, एक दिन तूने कर लिया था क्या हो गया?
मैं नहीं करूँगी कोई काम। अब ज्यादा बातें मत कर, चल जल्दी से काम खत्म कर। क्या फिर ननद जी, आप भी हमारे साथ बैठ के कॉमेडी मूवी देखना। क्यों मम्मी? बाहर में गई तुम्हारी कॉमेडी मूवी नहीं देखना मुझे। ये नीलेश ने कब से लड़की ढूंढ रही है, कोई मिली नहीं रही है। चलो जीजी, कोई अच्छी नजर में हो तो बताना। आप सेवर जी की शादी की बात कर रही हैं क्या? हाँ, तो क्या तेरी शादी की बात करूंगी? अरे माँ जी, आप इतना मतलब ही पूरा मान ले। मैं तो आपको किसी अच्छी लड़की के बारे में बताना चाह रही थी। ये लो, तुमको हमने देरी कैसी? अबे वो माँ जी, मैंने आपको बताया था ना, मेरी एक छोटी बहन है, बहुत संस्कारी है माँ जी। हाँ क्या? हाँ माँ जी, ऐसा मानो कि 36 के 36 उड़ा है उसके अंदर। अरे कितनी देर क्यों लगानी? आज ही तेरी मम्मी से उनके रिश्ते की बात करती हूँ। जी माँ जी, इसलिए तो नहीं करवानी है, शादी हो जाएगी तो एक काम नहीं करेगी, सारा काम मुझे करना पड़ेगा। अरे दीदी, तुझे एक प्लेट भी नहीं उठानी पड़ेगी, तू बस महारानी की तरह बैठ ही रहना। तू सच बोल रही है ना? हाँ दीदी, सच बोल रही हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे देवर के पीछे बहुत सुंदर लड़कियाँ पड़ी हैं। दीदी कसम खा रही हूँ मैं। ठीक है, तेरी शादी समझ ले फिक्स हो गई। सच में दीदी? शुक्रिया माँ जी, अब तो इस घर में दोनों बहनें राज करेंगी राज। दीदी खाना बनाने का टाइम हो गया, चलना चल के खाना बनाते। इज्जत जेठानी जी, रात के 8 बज चुके हैं, चलिए ना चल के खाना बना लेते हैं हम दोनों। अभी मेरा सीरियल चल रहा है तो मैं कुछ नहीं करूँगी। एक काम कर, तू जाके अकेले खाना बना ले। दीदी तू मेरा कुछ ज्यादा फायदा नहीं उठा रही है, सारा काम मुझसे अकेले ही करवाती है। अच्छा दादा बोल रही है, याद दिलाऊं तुझे, इसलिए एक घर में शादी करवाई है तेरी। ए दीदी, मैं तेरे पेट पर तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ना मुझे देवर से मेरी शादी करवा दे। तू पागल हो गई है क्या? कैसी बात कर रही है? मेरे देवर के पीछे बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ पड़ी हैं, वो भी बड़े खानदान वाली। यार दीदी मुझ में क्या कमी है, मैं भी तो देख कितनी सुंदर हूँ। इसलिए तो नहीं करवानी है, शादी हो जाएगी तो एक काम नहीं करेगी, सारा काम मुझे करना पड़ेगा। छोटी देवरानी, डाइवोर्स का तैयारी करवाओ। नहीं नहीं जिठानी जी, मैं तो मजाक कर रही थी, आपने तो ज्यादा ही सीरियस ले लिया। बहुत जल्दी आ गई तू अपनी औकात में। मैं खाना भी बना लूंगी, घर का झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब कर लूंगी। चल जा अभी यहाँ से। जिठानी जी काम कर लो। आप फिर से दारू पी कर आए हैं? भाग बोल दी जरा। भाभी अब मेरे को रोकती क्यों नहीं तुमने सर? देवर जी, कौन सी पत्नी चाहती होगी कि उसका पति नशा करे? मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करी, लेकिन मैंने आपको कितनी बार कहा है आप दारू मत लिया करो। तू मुझे बताएगी? खैर छोड़ो ये सब। भाभी जब आपको पहले से सब पता था तो आपने भैया से शादी क्यों की? देखो घर वाले शादी के लिए मान जाएंगे, बस आपको दारू सिगरेट छोड़ना पड़ेगा। अरे तुम टेंशन मत लो, शादी के बाद सब छोड़ दूंगा। आज तक पीकर कभी तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है क्या? आई प्रॉमिस कभी तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। देवर जी, लोग झूठे वादे करके लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, बहुतों के साथ ऐसा ही होता है। क्या नशा करके बीबी को मारना अच्छी बात है?